everyone, welcome to my channel guitar tutorials with Arpan. तो friends, आज मैं आप लोगों को जो है हम लोग का जो fretboard है, ये fretboard के जितने भी notes हैं, हर एक मतलब frets पे जितने भी ये notes हैं, तो ये notes को आप लोग कैसे easiest way में memorize कर सकते हैं, ये note के जो names हैं, इसको easiest way में आप लोग कैसे याद रख सकेंगे, तो इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा आज के lesson में. तो फ्रेंड्स, इसके लिए हमें नोट साइकिल जानना बहुत जरूरी है. तो आज के लेसन में मैं नोट साइकिल के बारे में ही आप लोगों को बताने वाला हूँ. नोट साइकिल फुल डिटेल्स में मैं आप लोगों को क्या है नोट साइकिल वो फुल डिटेल्स में आप लोगों को बताऊंगा. तो आप लोग बने रहिए मेरे वीडियो में फर्स्ट टू लास्ट तक. अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा. तो हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग को पता है कि संगीत जो है वो सात सुरों से बना होता है, जिसे कि इंडियन क्लासिकल में हम लोग सारे गामा पाधा निशा कहते हैं और वेस्टर्न क्लासिकल में इसे डो रे मी फा सो ला टी डो कहते हैं. और जो यूनिवर्सल लैंग्वेज है, यूनिवर्सल लैंग्वेज में इसे अल्फाबेटिकली इंडिकेट किया है. तो अल्फाबेटिकली जो है वो सी डी ई एफ जी ए बी सी से इस टाइप से इंडिकेट किया है, जिसे कि हम लोग नेचुरल नोट्स कहते हैं और व्हाइट नोट्स भी कहते हैं इसे. और आप लोगों ने कीबोर्ड में हारमोनियम में देखा होगा व्हाइट कलर के जितने भी बटन्स होते हैं वो यही नोट्स से बने होते हैं. और इन व्हाइट नेचुरल नोट्स को छोड़ के शार्प नोट्स भी आपने देखा होगा कि सी शार्प, डी शार्प, एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प, ये जो है इसे हम लोग शार्प नोट कहते हैं. इसे हम लोग ब्लैक नोट्स भी कहते हैं, जो कि कीबोर्ड में या हारमोनियम में आप लोग ने देखा होगा जो ब्लैक कलर के नोट्स होते हैं उसे ही हम लोग शार्प नोट्स कहते हैं. तो आप लोगों ने नोट साइकिल में नेचुरल नोट्स एंड शार्प नोट्स के बारे में तो जान लिया, तो मैं आप लोगों को आइए फ्लैट नोट्स के बारे में बताता हूँ. तो फ्लैट नोट्स कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स, जो शार्प नोट है उसे ही हम लोग फ्लैट नोट कहते हैं. जैसे कि जो सी शार्प नोट है इसे ही हम लोग डी फ्लैट कहते हैं, और जो डी शार्प है इसे ही हम लोग ई फ्लैट कहते हैं, और जो एफ शार्प है इसे ही हम लोग जी फ्लैट कहते हैं, और जो जी शार्प है इसे ही हम लोग ए फ्लैट कहते हैं, और जो ए शार्प है इसे ही हम लोग बी फ्लैट नोट कहते हैं. क्योंकि फ्रंट से अगर हम लोग जाते हैं, जैसे सी से हम लोग जाते हैं तो सी शार्प होता है, सी शार्प से अगर हम लोग डी में जाएंगे तो डी होता है, डी से अगर हम लोग ई में जाएंगे तो उसके बीच में डी शार्प है. तो ये हो गया एसेंडिंग वे में. अगर हम लोग डिसेंडिंग वे में मान लीजिए इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं, जैसे ई से अगर हम लोग को डी में जाना है तो ई और डी के बीच में जो डी शार्प है उसे ही हम लोग ई फ्लैट कहते हैं, और जैसे डी से अगर हम लोग सी में जाएंगे तो सी और डी के बीच में जो सी शार्प है वही डी फ्लैट कॉर्ड है. फ्रेंड्स, मैं आप लोग को ऑक्टेव के बारे में बता देता हूँ. ऑक्टेव कुछ भी नहीं है एक्चुअली. ऑक्टेव जो है वो 13 नोट्स से ऑक्टेव बनता है. तो ये हो गया हम लोग का फर्स्ट जो है सी, ये सी शार्प, डी, डी शार्प, ई, एफ, एफ शार्प, जी, जी शार्प, ए, ए शार्प, बी, सी. तो ये सी टू ये सी जो है ये हो गया हम लोग का वन ऑक्टेव. और जो फ्लैट कीज है, जैसे सी, सी का फ्लैट नहीं होता, सी उसके बाद बी आता है और ये बी फ्लैट है, क्योंकि ये ब्लीज जो है यहाँ पे फ्लैट हो रहा है इसीलिए इसे हम लोग बी फ्लैट कहते हैं. और ये ए है, ये ए फ्लैट है, ये जी है, जी फ्लैट है, ये एफ़ है, और एफ का भी फ्लैट नहीं होता इसीलिए डायरेक्ट ई आ जाता है, ई. उसके बाद ये ई फ्लैट, ये डी फ्लैट, ये सी. तो फ्लैट को लेके आप लोग बिल्कुल भी कन्फ्यूज ना होए, क्योंकि जो सी शार्प, डी शार्प, एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प, यही यही फ्लैट है, क्योंकि यही डी फ्लैट है, यही आपका ई फ्लैट है, यही जी फ्लैट है, यही ए फ्लैट है, यही बी फ्लैट है. तो फ्लैट को लेके एकदम आप लोग कन्फ्यूज ना होए. शार्प को लेके आप लोग को कन्फ्यूजन नहीं होना है, बस आप लोग को असेंडिंग वे में ये याद रखना होगा सी, सी शार्प, डी, डी शार्प, ई, एफ, एफ शार्प, जी, जी शार्प, ए, ए शार्प, बी, सी. और डिसेंडिंग वे में सी, बी, बी फ्लैट, ए, ए फ्लैट, जी, जी फ्लैट, एफ, ई, ई फ्लैट, डी, डी फ्लैट, सी. बस इतना आप लोगों को याद रखना है. तो आइए मैं फ्रेटबोर्ड्स पे आप लोगों को
जो नोट्स है वो कैसे आप लोग इजीली मेमोराइज करें वो मैं आप लोग को दिखाता हूँ। जैसे कि आप लोग को पता है गिटार में जो 6 स्ट्रिंग होते हैं हमारे 6 स्ट्रिंग्स के ईच एंड एवरी स्ट्रिंग्स के पर्टिकुलर नेम्स है। तो ये जो 6 स्ट्रिंग है इसका नाम ई है, ये ए है, ये डी है, ये जी है, ये बी है, ये ई है, जो कि मैंने इंट्रोडक्शन टू गिटार में जो मेरा पहला लेसन है आप लोग देख लीजिएगा उसमें मैंने सभी स्ट्रिंग्स के नेम आप लोग को बताया था। तो अकॉर्डिंग टू नोट साइकिल के हिसाब से अगर यदि इसका नाम ई होता है, ओपन स्ट्रिंग ये ई है, तो इसका नाम जो फर्स्ट फ्रेट पे जो फर्स्ट नोट है तो इसका नाम ऑब्वियसली ई के बाद क्या आता है आप लोग को पता है, जैसे कि एफ आता है तो ये नोट का नाम एफ है। तो एफ के बाद फिर आप लोग को पता है ये एफ शार्प आता है तो इसका नाम एफ शार्प है। ये नोट का नाम जी है क्योंकि एफ शार्प के बाद जी आता है। ये नोट का नाम जी शार्प है, इसका नाम ए है, इसका नाम ए शार्प, ये बी, ये सी, सी शार्प, डी, डी शार्प, ई। ये हो गया 13 नोट्स ओपन से अगर यहां तक देखे 13 नोट्स होता है तो 12 फ्रेट पे, तो इसे ही हम लोग वन ऑक्टेव कहते हैं। तो 13 नोट्स में एक वन ऑक्टेव। इसी तरह से ये फिफ्थ स्ट्रिंग में अगर आप लोग नोट्स का नाम जानना चाहेंगे तो इसका नाम जैसे कि ए है आप लोग को पता है ए, तो इसका नाम ऑब्वियसली ए शार्प होगा। ये बी नोट है, ये सी होगा, ये डी सी शार्प है, ये डी है, डी शार्प, ई, एफ, एफ शार्प, जी, जी शार्प, ए। अगर यहां से भी आगे आप लोग जाएंगे तो ए के बाद क्या आता है ए शार्प, फिर बी, फिर सी, फिर सी शार्प, फिर डी, डी शार्प, ई। तो इसी टाइप से सभी फ्रेट्स के नेम आप लोग इजीली याद कर सकते हैं। तो बस आप लोग को नोट साइकिल के जो नोट्स हैं इनके नेम्स आप लोग को याद करने होंगे। बस नोट साइकिल में जो शार्प एंड जो फ्लैट है, फ्लैट कीज, फ्लैट नोट्स है, शार्प एंड फ्लैट नोट्स, ये आप लोग को याद रखना है तो बहुत ही इजीली आप लोग समझ जाएंगे। इसी टाइप से अगर जैसे फर्स्ट स्ट्रिंग जो हम लोग का ई है और ये भी ई है, तो यहाँ पे जितने नोट्स है और ये फर्स्ट स्ट्रिंग सिक्स्थ स्ट्रिंग के जितने सारे नोट्स एंड फर्स्ट स्ट्रिंग के जितने भी नोट्स वो सब कॉमन रहते हैं, सेम है, क्योंकि ये भी ई स्ट्रिंग है और ये भी ई स्ट्रिंग है। तो ये सेकेंड स्ट्रिंग जो है ये बी स्ट्रिंग है, तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो बी, फिर ये सी आएगा क्योंकि बी का शार्प नहीं होता, फिर सी शार्प, डी, डी शार्प, ई, एफ, एफ शार्प, जी, जी शार्प, ए, ए शार्प, बी, बस यहां से यहां तक बी आ गया। तो अगर इसी को हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर देखते हैं तो क्या होता है कि फ्लैट नोट्स आते हैं, तो डिसेंडिंग में कैसे आएगा, ये हो गया आप लोग का बी और ऑब्वियसली ये ए शार्प नोट है, तो अगर हम लोग इसे ए शार्प भी कह सकते हैं, इसे बी फ्लैट भी कह सकते हैं, और ये ए है, ये जी शार्प है, तो इसे ही हम लोग ए फ्लैट कहते हैं, और ये जी है, और ये हमारा एफ शार्प नोट है, इसे हम लोग जी फ्लैट कह सकते हैं, ये एफ नोट है, उसके बाद ये ई नोट है, और ये हमारा डी शार्प नोट है जिसे कि हम लोग ई फ्लैट कह सकते हैं, ये डी नोट है, और ये हमारा सी शार्प नोट है जिसे कि हम लोग डी फ्लैट कहते हैं, ये सी है और ये बी है। तो इसी टाइप से नोट्स के नेम आप लोग को फ्रेट बोर्ड पे याद रखना होगा इजीली। ये आप लोग खुद से मतलब जो फ्रेट का जो डायग्राम अपने कॉपी में बना लीजिएगा और सभी नोट्स के नेम आप लोग विद द हेल्प ऑफ नोट साइकिल लिखने का कोशिश कीजिए और मिला लीजिएगा कि वो एक्यूरेट हुआ कि नहीं। तो बस इतना ही है फ्रेंड्स नोट साइकिल के बारे में जो मैंने आप लोग को बताया। होप कि मेरे ये नोट साइकिल लेसन से आप लोग का गिटार के जितने भी फ्रेट्स है इसके नेम आप लोग को मेमोराइज करने में आसानी होगा। फ्रेंड्स अगर आप लोग को मेरे वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। आप लोग के कमेंट देख के मैं फिर उसके ऊपर न्यू वीडियोस आप लोग के लिए लेके आऊंगा। तो बने रहिए मेरे साथ, जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ, हम लोग जरूर मिलेंगे मेरे दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, स्टे सेफ, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।